अधिकांश हमारे घर में जो कबाड़ होता है उसे बेकार समझ के हम फेंक देते हैं, तो उससे हम काफी अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं और अपने होम को, किचन को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, वो भी जीरो बजट में। तो आज मैं 6 DIY ऑर्गेनाइजर आइडिया देने वाली हूँ, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल कैन लिया है और ये सबके घर में इजली मिल ही जाता है। तो यहाँ पे हम इस पर एक सीधी सी लाइन खींच लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इस साइड को हम एक स्केल के हेल्प से तिरछी लाइन खींचेंगे, ये देखिए इस तरीके से दोनों ही साइड में खींच लेना है तिरछी लाइन। और अब हमें क्या करना है कि दूसरे साइड को भी सीधी सी लाइन खींच लेना है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे नाइफ को गर्म कर लिया है। अगर आपके पास कटर वगैरह हो जिससे कार्डबोर्ड या प्लास्टिक काटते हैं तो उससे भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ईजिली कट जाता है, मैंने इसे कटिंग कर लिया है। और इसको हम कवर कर लेंगे। तो मैंने इसको वॉलपेपर से कवर किया है, आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे कवर कर लिया है और अब हम इसमें दोनों साइड में छोटा छोटा होल कर देंगे, ये देखिए दोनों ही साइड में करना है और नीचे के साइड में भी करना है, ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ कर लेना है। तो हमने होल कर लिया है नीचे भी और दोनों साइड में भी होल कर दिया है। अब हम सामने भी एक छोटा सा होल कर देंगे ताकि इसे हैंग कर सके। तो ये देखिए होल मैंने कर लिया है और अब हम लेंगे वायर। तो घर में जो बेकार वायर पड़े रहते हैं छोटे छोटे, उसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वॉलपेपर लिया है, तो वॉलपेपर से जो वायर है वो कवर कर लेंगे। ये इजीली चिपक जाता है वायर के ऊपर भी या किसी भी चीज़ के ऊपर। तो ये देखिए इस तरीके से कवर कर लेना है। तो ये देखिए मैंने तीनों ही वायर को कवर कर लिया है। मैंने दो छोटे वायर लिए हैं और एक बड़े साइज़ का वायर लिया है। इस तरीके से बड़े वाले वायर को शेप दे देंगे और छोटे वाले जो वायर है उसका हुक बना लेंगे, एक साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे। अब जो बड़ा वाला वायर है उसे हम इस तरीके से होल के अंदर से इस तरीके से डाल लेंगे और जो कटिंग प्लेयर होता है उसके हेल्प से इसे अंदर से फोल्ड कर देंगे, अच्छे से दबा देंगे ताकि ये निकलेगा नहीं। अब ये छोटा वाला जो हमने हुक बना रखा है वायर से, ये लेंगे और जो हमने साइड में होल किया है ना, इसमें डालते हुए अच्छे से फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये भी निकलेगा नहीं और हुक बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको एक रुपया भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बेकार पड़े चीज़ों से भी आप बहुत कुछ बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें प्लेट रखा है अंदर, और साइड साइड में आप जो चाय छानने वाला छलनी होता है वो रख सकते हैं, कुछ भी आप इसमें हैंग कर सकते हैं, टॉवल वगैरह भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे बाथरूम में भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि शैम्पू वगैरह का बॉटल होता है, कोलगेट होता है, फेस वॉश होता है। तो बेकार पड़े ऑयल कैन को यूज करके आप बना सकते हैं बिना किसी खर्च के। यहाँ पर दूसरा आइडिया देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है जो बर्थडे में यूज होता है ना बलून वगैरह, तो वो दोबारा फूल नहीं पाता, ये कहीं से फट जाता है, तो उसे भी आप यूज करके काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। मैं बहुत ही प्यारा सा चीज़ बनाने वाली हूँ इससे। तो इसे हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से और इसको बिल्कुल गोलाई में काटना है, इसको राउंड में शेप देना है इस तरीके से। तो दो पीस हमने कट कर लिया है, ये देखिए एक बड़ा और एक छोटा हमने कट किया है। और यहाँ पे हम लेंगे फूड कंटेनर का जो लीड होता है वो, तो मैंने एक बड़े साइज का लिया है, एक छोटे साइज का लिया है। तो ये देखिए जो लीड है उसको हमने ग्लू गन के हेल्प से कवर कर लिया है। और अब हम लेंगे इस तरीके का जो रोल आता है वो, तो बच्चों का जब भी हम कवर वगैरह खरीदते हैं बुक्स वगैरह चढ़ाने के लिए, तो उसमें ये रोल होता है, इसे भी हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, ये भी काफ़ी यूज वाला चीज़ होता है। और ये जो गोल्डन कलर का आता है ना झालर जो लगाते हैं बर्थडे में, ये भी टूट जाता है तो बेकार हो जाता है, उससे मैंने इस रोल को कवर कर लिया। यहाँ पे मैंने दो रोल लिए हैं और दो लीड भी लिया है मैंने, जिसे कवर कर लिया था मैंने। अब इस पर हम ग्लू गन के हेल्प से चिपका लेंगे रोल को, ये देखिए इस तरीके से लीड के ऊपर चिपका लेना है रोल को। ये ऑनलाइन काफ़ी मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है, तो हमने इसे वेस्ट चीज़ों से बनाया हुआ है और देख सकते हैं कितना प्यारा बन के तैयार है। हमने इसे डबल टेप के हेल्प से वॉल पे चिपकाया है।
तो अब हम देख लेते हैं तीसरा वाला आइडिया। तो यहाँ पे मैंने एक टूटा हुआ मग लिया है। मग जो होता है वो टूट ही जाता है कभी ना कभी, तो जहाँ से भी टूटा हुआ हो ना वहाँ से आपको सीधी लाइन खींच लेना है, और इस तरीके से कटर वगैरह हो या फिर चाकू को गर्म करके भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से आपको ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करना है और नीचे भी काट लेना है, और इसका हैंडल भी हमने निकाल लिया है। और यहाँ पे हम एक प्लास्टिक का लीड लेंगे, आप कोई भी लीड ले सकते हैं जो थोड़ा सॉफ्ट टाइप का हो, और मग को इस पर रखते हुए इस तरीके से शेप दे देंगे, और अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर हम इसको चिपका देंगे ग्लू गन की हेल्प से। और हाँ फ्रेंड्स, जो ढक्कन है ना उसे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करना है ताकि साइड से अच्छे से फोल्ड करके चिपका सकें। तो ये देखिए, मैंने चिपका लिया है अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके से चिपका लेना है, थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे ताकि साइड से अच्छे से चिपक जाए। बहुत लोग कमेंट करते थे कि आप बोल के समझाया करिए, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने सोचा चलो भाई, आप लोग बोल रहे हो तो बोल के ही समझाती हूँ, क्योंकि बहुत पहले मैं जब वीडियो अपलोड करती थी तो उसमें मेरी आवाज़ होती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं म्यूजिक ही डाला करती थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पे देखिए, चिपकाने के बाद हम नीचे ना इस तरीके से निशान लगा लेंगे और होल कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने होल कर लिया है, सामने भी होल किया है हैंग करने के लिए। तो आप चाहे तो इसे किसी चीज़ से कवर भी कर सकते हैं या फिर कलर भी कर सकते हैं, लेकिन कवर करने से काफ़ी दिन जाएगा, कलर जो होता है वो काफ़ी दिन नहीं चलता, छूट जाता है। तो इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे कि स्पून वगैरह या फिर बच्चों का जो पेन पेंसिल आता है। ये देखिए, बहुत सारी चीज़ों को आप रख सकते हैं। मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार है टूटे हुए मग से, और पता भी नहीं चल रहा है कि टूटे हुए मग से बना है। अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्वीट का बॉक्स लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो साइड का होता है ना पार्ट, वो कटिंग करके निकाल लेंगे, क्योंकि ये चौड़ा है ना तो प्रॉब्लम होगा हमें इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी किस लिए मैंने कटिंग किया था। और अब हमने यहाँ पे आइसक्रीम का स्टिक लिया है, ये भी मार्केट में इजीली मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। तो ये देखिए, मैंने साइड साइड से कटिंग करके बराबर कर लिया, और ढेर सारा इस तरीके से कटिंग करके रख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो बॉक्स काट के हमने रखा था ऊपर से, उस पर इस तरीके से फर्स्ट वाला जो स्टिक है नीचे की तरफ चिपकाएंगे, ध्यान से देखिएगा, और बाकी के जो स्टिक है उसको ऊपर की तरफ चिपकाएंगे। तो हमने जो बॉक्स है उसका साइड इसलिए कटिंग किया था कि जो स्टिक है वो अच्छे से चिपके, अगर हाइट रहेगा चौड़ा रहेगा ऊपर तो ये बराबर चिपक नहीं पाएगा, तो इसलिए आपको कटिंग करना पड़ेगा तभी अच्छे से चिपकेगा। तो बस ऐसे ही आपको चिपकाते जाना है बराबर एकदम अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने एक साइड चिपका लिया है, और जो साइड में हमने नीचे के साइड चिपकाया है उसके ऊपर हम इस तरीके से एक स्टिक चिपका देंगे ताकि ये बराबर हो जाए। तो ये देखिए, एक स्टिक हमने और चिपका दिया ताकि जो इसका हम पैर बना रहे हैं ना, जैसे कि हमारा पैर होता है चलने के लिए, तो मजबूत नहीं रहेगा तो चलेंगे कैसे, तो इस ऑर्गेनाइज़र का भी पैर मजबूत होना चाहिए। तो दोनों साइड मैंने एक एक और चिपका दिया स्टिक ताकि ये मजबूत हो जाए, और सेम तरीके से मैंने चारों तरफ ही बॉक्स के साइड में चिपका लिया। ये देखिए, तो ये देखिए, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि एक एक स्टिक इस तरीके से ऊपर के साइड चिपकाते जाएंगे जिससे ये मजबूत हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से चिपकाते जाना है। ये भी ऑर्गेनाइज़र काफ़ी अच्छा बन के तैयार होगा, और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से चिपकाते जाना है, और मैंने चारों साइड से चिपका लिया है, और नीचे भी सेम तरीके से चारों तरफ ही चिपका लेंगे जिससे मजबूत हो जाएगा, और अंदर का जो आइसक्रीम स्टिक है वो निकलेगा नहीं। तो ये देखिए, मैंने चिपका लिया है चारों तरफ से, और ये काफ़ी मजबूत हो गया है। आप चाहें तो इसे कलर भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। तो इसमें आप छोटे मोटे डब्बे रख सकते हैं, जैसे कि जीरा वगैरह का, किचन में आप इसे यूज कर सकते हैं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को रख के यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट वगैरह भी रख सकते हैं।
ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है, तो इसमें आप फ्रूट वगैरह भी रख सकते हैं, मेकअप का सामान भी रख सकते हैं। बॉक्स थोड़ा बड़ा था तो बड़ा बना है, आप छोटा भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला ऑर्गेनाइज़र। यहाँ पे मैंने ऑयल कैन लिया है, तो इस तरीके से आपको लाइनिंग खींच लेना है, ध्यान से देखिएगा, और इसे कटिंग कर लेना है। ये देखिए मैंने चकोर में इस पर लाइनिंग खींचा हुआ है चारों तरफ से, ये इजीली कट जाता है। ये देखिए मैंने काट लिया है, एक पीस और कटिंग कर लेंगे। तो मैं दो पीस इसलिए कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये जो ऑयल कैन है ना, ये पतला है थोड़ा। अगर आपके पास हार्ड वाला हो तो आप एक ही कटिंग करिएगा। यहाँ पे देखिए अब इसे हम ग्लू गन से चिपका देंगे ताकि ये मज़बूत हो जाए, ये बहुत पतला था। और अब इस पर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, देखिए ध्यान से। और अब हम इस तरीके से बीच में छोटा सा बॉक्स जैसा बना देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से निशान लगा लेना है, और अब हम इसे कटर से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही इजीली कटिंग हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है फूड कंटेनर, और ये इजीली मिल ही जाता है, सबके घर में पड़ा रहता है, जिसे हम बेकार समझ के फेंक देते हैं या फिर कुछ रखने के लिए यूज भी करते हैं। तो ऊपर का पार्ट जो है ना, वो हमने कटिंग कर लिया है, जो निकला हुआ पार्ट होता है ना इसमें, वो हमने कटिंग करके बराबर कर लिया है। और अब हम इसे चिपका लेंगे, ये देखिए इस तरीके से ग्लू गन के हेल्प से चिपका देना है, अच्छे से चिपक जाता है क्योंकि दोनों ही प्लास्टिक है। इसी तरीके से हमें चारों जो फूड कंटेनर है वो चिपका लेना है, बीच में भी हम इसे चिपका लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए साइड साइड से भी हमें ग्लू से चिपका लेना है ताकि ये मजबूत हो जाए। अब जो ये दो बचे हुए हैं इसे हमें बैक साइड में चिपकाना है, ये देखिए इस तरीके से अटैच कर लेना है, हो जाता है इजीली, और बहुत ही मजबूत हो गया है ये, लेकिन फिर भी हम इसे और मजबूत करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे देखिए बीच में हम दो होल कर लेंगे, ये देखिए दोनों ही साइड में दो होल करना है, ध्यान से देखिए। ये देखिए दोनों ही साइड में हमें करना है, और अब हमें चाहिए वायर, पतला सा जो वायर होता है ना वो लेना है। अब जो हमने होल किया था ना, तो उसी में इस तरीके से जो वायर है उसको डालना है, दोनों साइड से डालते हुए, और इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए जो बाकी का एक्स्ट्रा है वायर, उसे कटिंग कर लेंगे और इसे दबा देंगे ताकि हाथों में लगे ना। तो अब दूसरा वायर लेंगे और दूसरे साइड सेम तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए और भी ज़्यादा ये मजबूत हो गया। अब यहाँ पे मैंने छोटे छोटे फ्लावर लिया है, ये चिपका लूँगी मैं, और मैंने इसे कलर नहीं किया क्योंकि ये वाइट कलर जो होता है अपने आप में ही बहुत प्यारा लगता है, आप चाहें तो कलर कर सकते हैं। तो ये देखिए किचन में आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं जो डेली यूज होता है, और ये कम क्वांटिटी में ही यूज होता है। और ये जो बीच में हमने ऑयल कैन को कटिंग करके और लगाया था ना, हैंडल बनाया था, वो इसलिए बनाया था ताकि इसे आप फ्रिज में भी रख सकें, क्योंकि ये प्लास्टिक से बना है तो ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, और इसमें आप चाहें तो और भी कुछ रख सकते हैं, जैसे कि छोटे मोटे मेकअप का सामान हो गया, ईयर रिंग हो गया, नेल पॉलिश हो गया, कुछ भी आप रख सकते हैं, बच्चों का पेंसिल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये मेरे पास कपड़े का बॉक्स पड़ा था, जब भी हम कपड़ा खरीदते हैं तो बॉक्स साथ में आता ही आता है, तो इसका भी हम बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो बॉक्स है उसके दोनों ही पार्ट को चिपका दिया है ग्लू गन के हेल्प से, और फिर से मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया, बीच में भी चिपका दिया। अब इसके चारों साइड ही मास्किंग टेप लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने ऊपर के साइड मास्किंग टेप लगा लिया है। अब इस डब्बे में ये देखिए छोटा छोटा होल दिया था, मतलब हैंडल टाइप का दिया था, तो एक ही साइड में दिया था, एक डब्बे में एक साइड दिया था, एक डब्बे में एक साइड दिया था, तो इसे हमने कटिंग कर लिया है। ये पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा सा हैंडल बन के तैयार है, अगर आपके डब्बे में ना हो तो आप अलग से भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसे कवर कर लिया है, आप अगर इस पर वॉलपेपर लगाते हैं ना तो काफ़ी टाइम तक चलता है। यहाँ पे मैंने रोल लिया है, इसको भी हमने कवर कर लिया है, हमें ऐसा चार चाहिए, ये देखिए चार पीस हमने लिया है। अब इसके बैक साइड में इसे चिपका लेंगे, ये देखिए इस तरीके से आपको ग्लू गन के हेल्प से चिपका लेना है। तो मैंने चिपका लिया है,
और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है, वो भी जीरो कॉस्ट में। और इसमें आप जो मसाले के डब्बे होते हैं वो रख सकते हैं, आप इसमें मेकअप का भी सामान रख सकते हैं, कई सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जीरो बजट में अपने किचन को और घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।